Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूरे प्रशासन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 14 वोट थे, बीजेपी के पक्ष में 12 वोट थे। जाहिर तौर पे मेयर हमारा बनना चाहिए था। इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं चाहिए होता कि 35 कुल मेंबर्स हैं तो आपको 18 चाहिए। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, यानी कि जिसके ज्यादा वोट उसका मेयर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश करी अपना मेयर बनाने की। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के लोगों के साथ बात करके एक हिडन अलायंस बीजेपी और कांग्रेस ने कर लिया, और कांग्रेस ने अपने एक आदमी को पाला बदलने को कहा और उसने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। यानी कि आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 14, बीजेपी का 12 था, एक कांग्रेस के नेता ने ज्वाइन कर लिया, उन्हें उनका अलायंस हो गया, तो इनका हो गया 14 और 13। इसमें भी हमारा मेयर बनना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने अपने एक एमपी चंडीगढ़ के जो हैं उनको बुला लिया कि आप भी वोट डालो। काउंसलर के चुनाव में एमपी से वोट पड़वाया, जो कानूनी तौर पे नहीं होता, लेकिन अपने वोट उन्होंने 14 कर लिए, हमारे वोट भी 14 होंगे। और कांग्रेस के लोगों से बात कर बाकी लोगों को एब्सटेन करवा दिया कि बहुमत का आंकड़ा भी और हाउस की स्ट्रेंथ भी घट जाए। तो आम आदमी पार्टी के भी 14 और कांग्रेस बीजेपी के भी 14, कांग्रेस बीजेपी के मिलके। इस स्थिति के अंदर सिक्का उछाल के फैसला किया जाता है कि टाई हो गया मैच, अब सिक्का उछाल के तय करेंगे कि किसका मेयर बनेगा। प्रशासन ने पूरी वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के 14-14 हो गए, तो जानबूझकर आम आदमी पार्टी का एक वोट निकालकर उसे फाड़ कर कहा हम इसे रिजेक्ट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक फटे हुए वोट को, जिसमें पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई थी, जो इनवैलिड करार देना चाहिए था, उसको सही ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया और भाजपा का मेयर बना दिया। इससे पहले कि हम ऑब्जेक्शन रेस करते, शोर मचाते, बात करते, रिकाउंटिंग की दुहाई लगाते, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया। और अब हम पिछले आधे घंटे से, मैं, मेरे साथ हमारे एमएलए विनय मिश्रा जी हैं, जरनैल सिंह जी हैं, हम सब लोग पिछले आधे घंटे से डीसी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं कि डीसी साहब हमसे मिलें। आप इलेक्शन करा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन डीसी साहब पिछले आधे घंटे से इन एमएलए से, हम 3 एमएलए से मिलने के लिए बाहर नहीं आ रहे। हमारी पूरी चंडीगढ़ यूनिट यहां खड़ी है, चंडीगढ़ यूनिट की इलेक्शन इंचार्ज, चंडीगढ़ यूनिट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन ये डीसी बाहर नहीं आ रहा। इतना बड़ा अफसर हो गया डीसी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए और पूरे ऑफिस बियरर्स खड़े हैं, लेकिन डीसी साहब बाहर नहीं आ रहे। ये साफ तौर पे दिखाता है कि डीसी के मन में चोर है, डीसी की कहीं ना कहीं बीजेपी से सेटिंग हुई है, इसीलिए डीसी बाहर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात जो इन चुनावों से निकल कर आई है कि एक हिडन अलायंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया। कांग्रेस के और बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेताओं ने मीटिंग करी और आपस में एक हिडन अलायंस किया है, एक गुप्त गठबंधन किया है कि आप और हम मिलके सरकार बना लेते हैं, मेयर बना लेते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मेयर नहीं बनना चाहिए। और आपने देखा कि आज कांग्रेस ने बीजेपी को मदद करने के लिए अपने एक बंदे को, अपने एक इलेक्टेड काउंसलर को बीजेपी की ओर भेज दिया और कहा कि आप बीजेपी के फेवर में वोट डालो, और बाकी काउंसलर्स को कहा कि आप एब्सटेन कर जाओ, यानी कि सदन में ही ना हो वोट डालने, ताकि बीजेपी को सहायता मिल जाए। खुले तौर पे बीजेपी और कांग्रेस का आज एक अलायंस चंडीगढ़ में नजर आया इस मेयर के चुनाव में, और आने वाले समय में ये लोग पंजाब में भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां रल के मिलके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगी और आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगी। इसीलिए मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूं कि आज जो चंडीगढ़ में घटा है, जो बीजेपी और कांग्रेस का आपसी अलायंस हुआ है, हिडन नेक्सस है, एक रल मिलके जो आज इन्होंने अपना मेयर बनाया है, गठबंधन का मेयर बनाया है, ये आप सबके सामने है। आप सब सावधान हो जाइए कि इस बार पंजाब में भी ये लोग आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए ये काम करेंगे।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.